हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल जॉब सर्च पर। फ्रेंड, इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसएसपी रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। उसके पहले फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड, अपने तरफ से एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जानकारी उन एलिजिबल कैंडिडेट के पास पहुंच जाए जो कैंडिडेट इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर अप्लाई करना चाहते है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड, ये पोस्ट निकली है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल में, ये पोस्ट निकली है। फ्रेंड, इसमें ऑल इंडिया से मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे जो भी स्टेट पे रहते हैं, कुछ फर्क नहीं, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फ्रेंड, पोस्ट निकली है असिस्टेंट कमांड, इसमें टोटल वैकेंसी 10 टोटल वैकेंसी है। फ्रेंड, पहले मैं बात करूंगा सैलरी के बारे में। फ्रेंड, आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा 56,100 से 1,77,500 रुपया आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा। फ्रेंड, अब मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी के बारे में। फ्रेंड, इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपका एज 35 साल के बीच पे होना चाहिए, और जो एज पर छूट मिलता है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलेगा, एससी कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलेगा, और जो कैंडिडेट एक सर्विसमैन है उसको 10 साल का छूट मिलेगा। फ्रेंड, इस पोस्ट में यानी असिस्टेंट कमांड, इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री पास, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी एक पे आप अगर डिग्री कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। या फिर आप अगर एमएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, कोई भी एक पे आप अगर एमएससी कंप्लीट किया है तो आप असिस्टेंट कमांड इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। या फिर आपके पास अगर इसका समतुल्य कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद फ्रेंड, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन चार्ज पे करने होगा। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को इस फॉर्म को एप्लीकेशन चार्ज 400 रुपया पे करने होगा, और जो कैंडिडेट एससी एसटी फीमेल और एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो उसको कोई एप्लीकेशन चार्ज पे नहीं करने होगा। फ्रेंड, इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन द्वारा अप्लाई करना होगा। फ्रेंड, मैं अब बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड, सिलेक्शन होगा 4 स्टेप पर सिलेक्शन होगा। फ्रेंड, पहले आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा। रिटर्न एग्जाम 2 पार्ट में होगा, पहले पेपर 1 पेपर 2। जो कैंडिडेट पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फ्रेंड उस कैंडिडेट का पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा। फ्रेंड, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट मिनिमम 81 सेंटीमीटर, और आपको आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। उसके बाद फ्रेंड, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फ्रेंड, आदिवासी कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको आपका चेस्ट फुलाना होगा। उसके बाद फीमेल के लिए 149.5 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड, फीमेल के लिए हाइट अनुसार वेट लिया जाएगा, मेल के लिए सेम क्राइटेरिया है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार खुद चेक कर लीजिए आपका हाइट अनुसार वेट क्या लिया जाएगा। फ्रेंड, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, लिंक को जरूर क्लिक करके जरूर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड, जो कैंडिडेट पीएसटी क्वालिफाई करेंगे उस कैंडिडेट का मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल पर भी वो कैंडिडेट अगर क्वालिफाई करता है तो उसके बाद फ्रेंड उसका डॉक्यूमेंटेशन और पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड उस कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड, इस नोटिफिकेशन पे इस रिक्रूटमेंट का जो भी जानकारी था मैं आपको पूरा दे दिया। उसके बाद फ्रेंड, आपका मन में कोई सवाल या फिर डाउट है तो मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। उसके बाद फ्रेंड, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर एक बार जरूर चेक कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मेरा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा, प्लीज उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि उस पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब का न्यूज अपडेट मिलता रहेगा। उसके बाद फ्रेंड, आप नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने तरफ से एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।